हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो जीओसी की है। आज जीओसी का हम फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर देखा था डिफरेंट ग्रुप्स का टू शो इंडक्टिव इफेक्ट, दैट आर योर प्लस आई एंड माइनस आई। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस की बात। ओके, तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है जो इंडक्टिव इफेक्ट की, वो है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ओके, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम, हमने तो अभी तक जीओसी में जितना पढ़ा है उसके अंदर हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट तो पढ़ा ही नहीं है कि वो होता क्या है। हम उसकी स्टेबिलिटी तो बाद में देखेंगे, पहले हमें पता तो हो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसी स्पीसीज हैं जो एक रिएक्शन के टाइम पर फॉर्म होती है, इन बिटवीन योर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपके लिए, अभी तक के लिए इतना ही ध्यान रखो आप कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वो स्पीसीज हैं जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होती हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, अब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट होते कौन कौन से हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस हैं, ठीक है, कार्बन आयंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है। जो जनरल हम बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की वो ये होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे कि कार्बन आयन और कार्बोकेटायन के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से रोल प्ले करता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, दो रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे पास, ठीक है, एक होगा मेरे पास कार्बोकेटायन ओके एंड अनदर वन इज योर कार्बो एनायन। ओके, अब कार्बोकेटायन क्या है और कार्बो एनायन क्या है? तो कार्बोकेटायन वो स्पीसीज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर टर्म्ड एज कार्बोकेटायन, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ओके, और कार्बन आयन क्या होते हैं? दीज आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ओके, इतना समझ आया कि इनमें चार्ज क्या क्या है। अब हम इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। जो कार्बोकेटायन है हमारे पास, ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, ठीक है, दीज आर ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कितने? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की, वो होगी आपकी sp2, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है मेरे पास? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, आप देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगी या कुछ भी होगा तो हर एक एटम और मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 8, बट है कितने? 6। इसका मतलब ये रिएक्टिव स्पीसीज है, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगी, और इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और उसको न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट है कि कोई उसे ऐसा मिल जाए जो उससे उसके इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो कार्बोकेटायंस के ऊपर जो हमेशा अटैक करने वाली स्पीसीज हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इतनी बात हुई क्लियर? तो इनके ऊपर जो अटैक करेगा वो कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल, अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, ये तो थी कार्बोकेटायन के बारे में जनरल बातें, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बो एनायंस के बारे में जनरल बातें। जो हम, जैसे हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर किया कि ट्राइगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, ऐसे ही जो कार्बो एनायन है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है,
उसके अंदर क्या होगा कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। एंड ये स्ट्रक्चर है कैसा है? टेट्राहेड्रल। ओके, अब इसके पास जो है दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज अटैक करता है पॉजिटिव पर। मतलब जो ये हमारे पास कार्ब अनायन है, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। मीन्स जो कार्ब अनायंस आर बेसिकली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आई समझ? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फटाफट स्टार लगाकर मार्क करो कि जो कार्बोकैटायंस पर अटैक करते हैं हमेशा न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोनायंस के ऊपर हमेशा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आपसे पूछ लेते हैं कि जो कार्बोकैटायन है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसकी ज्योमेट्री, ऐसे ही कार्बोनायन के बारे में क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन है, क्या स्ट्रक्चर है। ओके, इतनी बात हुई क्लियर? अब देखो, यहाँ पर कार्बोकैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कार्बो अनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि मेरे पास कमी है पैसों की। ठीक है, सपोज कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो मैं क्या करूँगी? अपने आप को कब स्टेबल फील करवाऊंगी, या स्टेबल फील मुझे कब होगा? जब मेरे पास पैसे आने लग जाएंगे, है ना, या मेरे पास जब पैसे होंगे तब मैं अपने आप को स्टेबल फील करूंगी। ओके, तो इसका मतलब जो कार्बोकैटायन को कौन स्टेबल करवा सकता है? जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इतनी बात हुई क्लियर? बहुत ही ज़्यादा क्लियर वर्ड्स में मैं ये बोलूँगी, जो कार्बोकैटायन को स्टेबल वो करवाएगा जो उसे इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब किसी भिखारी को, या जिसके पास, ऐसा इंसान जिसके पास पैसों की कमी है, उसको स्टेबल कौन करवाएगा? जो उसे पैसे देगा, है ना, सिंपल सी बात। इसका मतलब जो कार्बोकैटायंस हैं, मैं लिख लूँ कुछ लाइंस, आप उसको नोट करना। स्टेबलाइज्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो स्पीसीज इसको इलेक्ट्रॉन देंगी वो कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगी। अब देखो, हमने दो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का क्या काम था? कि वो मॉलिक्यूल्स और एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे थे वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब मैंने यहाँ आपको बोला कि कार्बोकैटायन को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप खुद सोचो कि प्लस आई में इलेक्ट्रॉन देना है और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन लेना है, तो कार्बोकैटायन को कौन स्टेबल करेगा? प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस आई इफेक्ट से कोई भी एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मार्क करो कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसको आप नोट करो, स्टार लगाकर मार्क करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सोचने नहीं बैठोगे पूरा कॉन्सेप्ट, आपको ट्रिक्स लर्न होनी चाहिए, शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? प्लस आई इफेक्ट। हाँ, आपको उसके पीछे का लॉजिक मैंने समझा दिया है, अगर बाई चांस आपके माइंड में से स्किप हो जाती है ये सारी बातें, तो आप एक हेडलाइन बनाओ, उसको मार्क करो मार्कर से, और फिर उसके बाद लिखो कि जो कार्बोकैटायंस है उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? प्लस आई इफेक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे कार्बो एनायन की। अब कार्बो एनायन के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये कब स्टेबल होगा? कि जब इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, तब वो स्टेबल होगा। मान लो कि एक इंसान खाना खा रहा है, उसने बहुत सारा खाना खा लिया, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसने खाना खा लिया, ठीक है, और हम उसको और खाना दे
रहे हैं कि भाई खा खा खा, तो वो अपने आप को कब स्टेबल फील करेगा कि कोई भाई उससे वो खाना ले जाए, क्योंकि उसने बहुत सारा एक्चुअली में खा लिया है ना। तो ऐसे ही कार्ब एनायन के बारे में है कि कार्ब एनायन कब स्टेबल होगा, जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मैं यहाँ लिखूं कि कार्ब एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर देगा, मतलब जब कार्बन एनायन, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को स्टेबल फील करवाएगा। अब देखो प्लस आई इफेक्ट को तो कौन स्टेबल कर रहा था, कार्बोकेटायन। अब कार्बन एनायन को कौन स्टेबल करेगा, जिस इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो यानी कि डोनेशन हो, मतलब जो माइनस आई इफेक्ट है हमने पढ़ा था, जिसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे थे, वो कार्बन एनायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। मीन्स माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ओके, इसको भी आप स्टार मार्क करके नोट करो कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है कार्बन आयन की, और जो प्लस आई इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है कार्बो के टाइम्स की। ओके, आपको टॉपिक समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह से लगाना आ जाए कि मैं बोल क्या रही हूँ इतनी देर से और इसको अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो चलो चलते हैं आगे। सिर्फ आप अपने माइंड में एक बार ध्यान रखो, कार्बोकेटायन को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्लस आई इफेक्ट, और कार्बन आयन को माइनस आई इफेक्ट। अब क्वेश्चन देखो, मैं आपसे पूछती हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब बताओ, मैंने आपको ना ये दे दिया ए बी सी, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए बी या सी? तो आप देखो, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, मतलब कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है ना, एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है? अब यहाँ देखो, दो मिथाइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखो, मिथाइल ग्रुप तीन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पर अपना प्लस आई इफेक्ट लगाओ कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन से मॉलिक्यूल में होगा, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा ए के अंदर, क्योंकि वहां पर तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। बी के अंदर थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ दो हैं, और सी के अंदर सबसे कम होगा क्योंकि वहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है? तो प्लस आई इफेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उसकी सबसे ज्यादा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कार्बोकेटायन का ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ स्टेबिलिटी का, दिस वन, ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी और फिर सी। ये है क्या, टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन। ओके, इतनी बात आई समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये देखा हमने, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं कहूँ इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटायन। अब जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले उतना प्लस आई इफेक्ट, जितना प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इन केस ऑफ कार्बो केटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, सी बी एंड ए। ओके, इतनी बात हुई क्लियर? ठीक है, अब हम एक कार्बन आयन का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, कार्बन आयन के एग्जांपल में चलो ये देखते हैं। हाँ, अब मैं आपसे
से पूछूंगी, आपको पता है ये रिंग्स एंड टर्शरीज और ये मतलब जिसमें तीन मेंबर है, चार मेंबर है और फाइव मेंबर है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये कौन सी है? कार्ब एनायन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है सबके ऊपर। अब देखो, आपको पता है कि जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज होता है, जो एंगल है वो डिक्रीज होगा। एंगल मतलब जैसे मैं ये एग्जांपल ले लूं, ये वाला एंगल, ये थीटा वन इसको नाम दे दूं मैं, और सेकंड रिंग एक ये ले लूं, इसके बाहर वाला एंगल देखो तो मैं ये थीटा टू, तो ये एंगल डिक्रीज होगा, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, ठीक है। अब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा, जो पी करेक्टर है या एस करेक्टर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब इनमें से देखो कि सबसे ज़्यादा एंगल किसके अंदर है, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये थीटा थ्री है, तो सबसे ज़्यादा एंगल होगा थीटा वन, फिर थीटा टू और फिर थीटा थ्री। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग कौन सी है? ये वाली, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग कौन सी है सबसे ज्यादा? ए, फिर बी और फिर सी। अब देखो माइनस आई इफेक्ट क्या बोलता है, कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ कर पाए, है ना, जो एटम्स और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाए वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब कोई भी कितना भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ए, फिर बी और फिर सी। यानी कि पहले प्रोपेन रिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ब्यूटेन और फिर पेंटेन। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ए, फिर बी और फिर सी, है ना। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव वाला वो करेगा, अटैक करेगा। तो यहां से देखो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, जब मैंने माइनस आई इफेक्ट लगाया तो ए बी एंड सी, दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में एग्जाम में आ जाते हैं बहुत बार इस टाइप के, तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ CH3CH2 CH3 CCl CH3 H CH3 CCH3 CH3 और Cl, ठीक है। ये डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये टर्शियरी है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है AgNO3 के साथ, मैंने रिएक्शन करवाई है, प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, और इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3CH2 पॉजिटिव, क्योंकि जब यहाँ से अटैक होगा AgNO3 का तो Cl यहाँ से निकल जाएगा, ओके। ये बना, सेकंड में क्या बनेगा, CH3CH3 पॉजिटिव H, ओके। यहाँ पर देखो CH3CH3CH3 और पॉजिटिव, ओके। ये अब क्या बन गए, डिफरेंट कार्बोकेटायंस, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, है ना। अब मैं पूछूं इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होगा, तो आप फटाफट जवाब दे दोगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है ये, फिर ये और फिर ये। अब इसी के अंदर मैं बात करूं कि कौन सी रिएक्शन सबसे तेज होगी, यानी कि रेट किसका ज्यादा होगा। सपोज कर लो इसका रेट है R1, इसका रेट है R2 और इसका रेट है R3। सबसे ज्यादा रेट कौन सा होगा, R1, R2 या R3? कौन सा आप लगाओ अपना प्लस आई इफेक्ट का, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही जल्दी रिएक्टेंट टूट
घटेगा इंटरमीडिएट के अंदर, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल है। अगर देखो कि मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई आपकी ट्रांसफर कर दे कि आपको किसी और जगह पर जाना है, अगर वो जगह जिस जगह से आप जहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हो और जहाँ आपको भेजा जा रहा है, अगर वहाँ पर जाने में आपको ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, मतलब ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है, तो आप फटाफट चले जाओगे, है ना। अगर वो जगह ख़राब सी है, मतलब वहाँ पे कोई भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे उस जगह को जहाँ आप ऑलरेडी प्रेजेंट हो वहाँ पर, वहाँ से जाने में, है ना। तो सिमिलर ऐसा ही केस है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसके अंदर जितना स्टेबल बनेगा रेट उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे स्टेबल रिएक्टर इंटरमीडिएट कौन सा था? टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? R3, R2 एंड R1। ओके, इतनी बात हुई क्लियर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ हमें डेफिनेशन पता होती है इंडक्टिव इफेक्ट की, हाँ, और एक एक एप्लीकेशन पता होती है कि अल्काइल हैलाइड को स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, कार्बोकेटायन की, कार्बन आयन की, पर हमें वहाँ पर अप्लाई करना नहीं आता कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखो, क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे यू कैन क्रैक वेरी इजीली। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्टिविटी, एल्कोहल क्या होता है? ROH। आपको पता है एल्कोहल दो तरह से ब्रेक हो सकती है, या तो यहां से बॉन्ड ब्रेकेज हो या यहां से बॉन्ड ब्रेकेज हो। इसको मैं दे देती हूँ A और इसको B पार, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगी, वही मैं एग्जांपल लूंगी, तीन आपके जो बेसिक एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हुई, मान लो जैसे ये ले लिया मैंने CH3 CH2 OH, ठीक है, फिर मैंने ले लिया CH3 CCH3 HOH, फिर मैंने ले लिया CH3 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 OOH, ठीक है। अब मैं A पाथ से जब ब्रेक करूंगी इन एल्कोहल्स को, मतलब यहां से मैंने तोड़ दिया, ठीक है, यहां से तोड़ने के बाद क्या होगा कि अलग अलग मेरे पास जनरेट हो जाएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH3 H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? CH3 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 पॉजिटिव, है ना। ये A पाथ से जब टूटेगी अल्कोहल अलग अलग, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे। अब मैं बात करूँगी अगर B पाथ से ब्रेक हो जाए तब क्या होगा, तब देखो क्या मेरे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे CH3 CH2 O नेगेटिव, क्योंकि H ये ऐसे टूटेगी ना, यहाँ देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा OH बॉन्ड का और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो इसने दो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, H पॉजिटिव बाहर, तो RO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे R की जगह बस मैं चेंज करती जा रही हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल, ठीक है। ये बना, फिर क्या बनेगा मेरे पास? CH3 CH CH3 O नेगेटिव। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 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 O नेगेटिव, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इन तीनों में से अलग अलग पाथ से जो रिएक्शन हो रही है उनकी रिएक्टिविटी किस, कौन सी अल्कोहल की सबसे ज्यादा होगी, मतलब कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, ठीक है। इसके रेट को नाम दे देती हूँ मैं R1 R2 और R3। पहले हम बात कर रहे हैं पाथ A की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, है ना, कार्बोकेटायन बन रहा है। कार्बोकेटायन आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन बहुत इजीली कंप्लीट होगी, यानी कि बहुत फास्ट उसका रेट होगा। तो यहाँ से तो देखो जब इसका रेट R1, R2 और R3 है, यहाँ टर्शरी है, यहाँ सेकेंडरी और यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो रेट क्या होगा इस वाली रिएक्शन का? R3 इज
वेरी हाई देन आर टू एंड देन आर वन, ठीक है, ये इसका रेट हो गया। अब बात करते हैं हम बी पार्ट से। बी पार्ट से क्या बन रहा है मेरे पास, कार्बोएनायन। कार्बोएनायन जब मैंने रिएक्शन वो देखा था ऑर्डर, तो प्राइमरी कार्बोएनायन ज़्यादा स्टेबल था देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ऐसा क्यों? देखो, डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स जब लगते हैं तो मिथाइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब एक तो इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, हम उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब उसके नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी जनरेट हो जाएगी, है ना। तो जहाँ पर कम देने वाले हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू ज़्यादा देने वालों से, ठीक है। मतलब ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन के टाइम, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, यहाँ से जनरेट हुआ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर इसका रेट मैं ऐसे ही लिखूँ, K1, K2 और K3, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल या सबसे ज़्यादा हाई रेट कौन सा होगा, K1 फिर K2 और फिर K3। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को हम दो तरीके से उसका बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, या तो आर ओ एच बॉन्ड ब्रेक होगा या आर ओ एच बॉन्ड ब्रेक होगा, ए पाथ और बी पाथ से। जब ए पाथ से बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो जो रेट होगा वो टर्शरी कार्बो के टाइम का ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। अगर बी पाथ से होगा तो फिर पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या रिएक्टिविटी ऑफ हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। जहां पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, ओके। अब देखो, मैं यहाँ पर अलग अलग कार्बोनिल बना देती हूँ ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे लिखो आप। ये मेरे दो एल्डिहाइड है, वो कीटोन है, तो सबसे ज्यादा इनके अंदर रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड वाले या हमारे कीटोन, ठीक है। तो इनके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। वो कैसे अटैक करता है, देखो, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। ये कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन इधर शिफ्ट होगा और इससे क्या होगा, CO नेगेटिव, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। मतलब ये मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर, इतनी समझ आई कि रिएक्शन किस तरह से होगी। अब हम देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी की, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ज़्यादा इस टाइप की रिएक्शन के अंदर रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके रेट को मान लो आप R1, इसके रेट को मान लो आप R2 और इसको मान लो R3, ओके। अब देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एक है, मतलब ये एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ देखो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, यानी कि डबल प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में शो हो रहा है, इसमें, फिर इधर और फिर इधर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही इसके पास बहुत ज़्यादा है, मतलब कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगा, जो इसको कम इलेक्ट्रॉन देगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, बट इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। तो मुझे कोई कुछ ऐसा चाहिए जो कम इसको इलेक्ट्रॉन दे, है ना। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिल रहा है, इधर, फिर इधर और फिर इधर। इसका मतलब जो रेट होगा वो क्या होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2 देन ग्रेटर देन R3। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका एल्डिहाइड देन कीटोन। डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि रिएक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन, तो आप बोलोगे एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ओके। चलो नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं हम, डाइपोल मूवमेंट।
फिफ्थ एप्लीकेशन है हमारी रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, हम इंडक्टिव इफेक्ट का रोल देखेंगे डाइपोल मूवमेंट में. ठीक है, तो आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपने एक फॉर्मूला देखा होगा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ऐसे सब कुछ देखा होगा आपने, है ना. तो ये था क्या, ये म्यू था मेरे पास डाइपोल मूवमेंट. क्या था, डाइपोल मूवमेंट. क्यू था मेरे पास चार्ज और डी था डिस्टेंस. ठीक है, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं. आई थिंक जितने भी नहीं, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है वो डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि चार्ज होना चाहिए और कुछ डिस्टेंस होना चाहिए. अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँगी तो मान लो मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. अगर मैं इसका डाइपोल मूवमेंट निकालूंगी तो म्यू इज इक्वल टू, कोई भी चार्ज ले लूँ मैं, सपोज कर लिया इसके ऊपर क्यू वन चार्ज है, इसके ऊपर क्यू टू चार्ज है, तो क्यू वन चार्ज इंटू में डिस्टेंस डी, ये इसका डाइपोल मूवमेंट निकल जाएगा. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है तो क्यू वन किसके बराबर होगा, क्यू टू के बराबर. ये तो था डाइपोल मूवमेंट के बारे में. डाइपोल मूवमेंट एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. इतना समझ आया है डाइपोल मूवमेंट के बारे में जो बेसिक था. ठीक है, अब आगे चलते हैं कि डाइपोल मूवमेंट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल प्ले करता है और इंडक्टिव इफेक्ट की ये एप्लीकेशन कैसे. ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल कंसीडर करो, सी एच थ्री एफ और सी एच थ्री आप ले लो एनओ टू. ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि विच वन हैव मोर डाइपोल मूवमेंट. तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. डाइपोल मूवमेंट के लिए आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, इससे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे. देखो सी एस थ्री एफ का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा और एनओ टू का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, अब देखो इस वाले बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन आ ही रहे हैं, है ना, इधर भी आ रहे हैं, तो यानी कि इसका तो कोई फंडा है ही नहीं दोनों की कंपेरिजन करने में, दोनों से. अब बात आती है सी एफ बॉन्ड में और सी एन ओ टू बॉन्ड में. अब जो फ्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ से सी एच थ्री से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा. एंड एन ओ टू भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो सी एच थ्री से इलेक्ट्रॉन लेगा. अब बात आएगी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींचेगा, फ्लोरीन या एन ओ टू. तो हमने जब बात की थी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू शो इंडक्टिव इफेक्ट, वहाँ पर हमने पूरी सीरीज लिखवाई थी. उस सीरीज के अंदर सबसे पहले मतलब पहले एनओ टू आता था, फिर एफ आता था, फिर फ्लोरीन आता था. मतलब जो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा वो कौन शो करेगा, एनओ टू एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. मतलब जो एनओ टू ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा सी एच थ्री से एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और जितना ज़्यादा चार्ज का वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा. यानी कि ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका है, सी एच थ्री एन ओ टू एज कम्पेयर टू सी एच थ्री एफ. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो. तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, सीखो कॉन्सेप्ट को, सीखने के बाद उसको अप्लाई करना सीखो. ठीक है, वरना तो मैं एक लाइन में बता सकती थी कि माइनस आई इफेक्ट से या प्लस आई इफेक्ट से जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, बट उसको समझाना, उसको अप्लाई करवाना क्वेश्चन के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आज की वीडियो में आप इतना ही देखोगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन बेसिक और एसिडिक करेक्टर. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इनलाइटनिंग केमिस्ट्री. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. Thank you so much for watching the video.